विश्व बाघ दिवस पर देहरादून के इंद्रलोक होटल में बाघ जागरूकता को लेकर एक फोटो प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है और ये प्रदर्शनी दून आर्ट काउंसिल और वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की तरफ से संयुक्त तौर पर लगाई गई है और प्रदर्शनी के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जा रहा है। प्रदर्शनी का शुभारंभ बतौर मुख्य अतिथि सचिव मुख्यमंत्री आर मीनाक्षी सुंदरम और रंजन कुमार मिश्रा अपर प्रमुख वन संरक्षक वन्य जीव प्रशासन उत्तराखंड ने किया है। तो आपको बता दें कि मुख्य अतिथि के तौर पर मुख्यमंत्री सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम ने अवलोकन किया इस प्रदर्शनी का। उत्तराखंड में बाघ संरक्षण के लिए फेयरलेस बाघ नाम से ये फोटो प्रदर्शनी लगाई गई है। आगामी 16 अगस्त तक ये प्रदर्शनी जारी रखेगी। सबसे बड़ा रीजन है कि आज हमने सेलिब्रेट कर रहे हैं ग्लोबल टाइगर डे, जिसको इंटरनेशनल टाइगर डे भी कहा जाता है। 29 जुलाई 2010 से ये शुरू हुआ था, आज 12 साल हो गया है हमारे पास। और जिस प्लेस के साथ हम शुरू किए थे कि डबल होना चाहिए भारत में उसका संख्या, हमने 2018 में ऑलरेडी कर चुके हैं और आगे भी बढ़ रहे हैं। तो उसी को सेलिब्रेट करने के लिए आज यहाँ पर हमने इकट्ठा हो रखे हैं। सबसे बड़ी बात है कि इसमें सभी एज के जो प्रबुद्ध लोग हैं उनका फोटोग्राफ्स एवं उनका पेंटिंग्स यहाँ पर है, इंक्लूडिंग चिल्ड्रेन, जो कि बहुत अच्छा एक संदेश देता है कि भविष्य में हमारा टाइगर का पॉपुलेशन का जो प्रोटेक्शन है और उनका संख्या बढ़ने का जो संभावना है ये बहुत ही अच्छे हाथ में है, मैं यही कहूँगा। अच्छा लग रहा है कि पिछले कुछ सालों में टाइगर कंजर्वेशन में उत्तराखंड ने बहुत अच्छा काम किया है और हमारे जिम कॉर्बेट जो मेजर टाइगर रिजर्व है उसमें टाइगर्स की संख्या बढ़ी है और ये अच्छा संकेत है और होपफुली ये वर्क आगे भी कंटिन्यू रहेगा।